subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक नए सेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने महा मॉक टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट करके रखी हुई है और आज हमारा दोस्तों मॉक नंबर है 18वां और दिन है 18। और हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों कि जो सीजीएल के एग्जाम में जितने भी एग्जाम है आपके, जिसमें आपका एसएससी की परीक्षा है, उसमें जीएस आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हम 25 में से 25 करने का प्रयास करेंगे। हमारे यही सेशन का उद्देश्य है। और सभी बच्चे लोग क्या करिएगा, सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसे एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा आज का सेशन जो है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, जो है अपकमिंग बैचेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं बच्चों, हमारी 23 नवंबर की बैच स्टार्ट हुई है, इसके बाद हमारी 30 नवंबर की बैच स्टार्ट हो रही है बैंक और एसएससी की। इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। तो सभी लोग क्या करिए, एसएससी में बंपर वैकेंसीज हैं और आज तो आपको बच्चों जीडी की डेट भी आउट हो गई एग्जाम की, तो आप सभी बच्चे लोग क्या करिए, फटाफट एनरोल कराइए और सिलेक्शन की राह में एक कदम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो होमवर्क क्वेश्चन के माध्यम से। तो होमवर्क क्वेश्चन हमारा था कल का, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आप सब बच्चों को बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी, ऐशिका जी, सुरभि जी, प्रज्ञा जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बाबू जी, फारूकी जी, सागर पॉल जी, सिमरन जी, करियर विद होप जी, शिव ठाकुर जी, निष्ठा जी, सभी बच्चे लोग, कुमार सचिन जी, मनोजीत जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे लोग क्या करना है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं और आंसर करना शुरू करिए बच्चों। और स्पीड क्या होनी चाहिए, टॉप गियर में गाड़ी को लगाइए और स्पीड को आगे बढ़ाया और आंसर करिए बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए आंसर आना शुरू हो गया है, कुमार सचिन जी ने लिखा, ऐशिका जी ने, निष्ठा जी ने, शिव ठाकुर जी डिप्टीरिया लिख रहे हैं और प्रज्ञा जी ने, पंकज जी ने, सुरभि जी ने भी यही आंसर किया है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर एकदम सेम आ रहा है। तो देखते हैं कि बिल्कुल यही आंसर है, डिप्टीरिया आपका एकदम करेक्ट आंसर है और सभी बच्चों ने एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर किया है और सभी बच्चे लोग बधाई की बात है। ठीक है जी, गुड इवनिंग बेटा, फटाफट क्या करिए, आंसर करना शुरू करिए। प्रियांशु जी, गुड इवनिंग बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवाणु के कारण होने वाला रोग डिप्थीरिया है, यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या होता है, यह आपका बैक्टीरिया है जिसके कारण आपका यह रोग होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा, यह नाक और गले की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करता है। तो यह हमारा जो फंक्शनल ऑर्गन है, जो हमारा कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है, जो नाक और गले की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करता है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे प्रायः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये भी आपके लिए बच्चों क्या है कि टारगेट ग्रुप जो है वो कौन सा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 से ऊपर के लोग जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। तो अगेन आपको 4 प्रश्न आपको इससे मिल रहे हैं, यही आपका बताता है दोस्तों कि जो प्रश्न हमें पढ़ना है, देखिए बच्चों इस बात को समझिए, उसके आसपास की 4 डिटेल हमें कम से कम क्या करनी है, तैयार कर लेनी है, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो हमारा क्या हो, हमारा वो गलत ना हो। क्योंकि देखिए जीएस का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है बच्चों की एवरीथिंग अंडर द सन इज कम्स अंडर द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने क्या किया, ये मेथोडोलॉजी फॉलो की बच्चों, तो अगर 100 टॉपिक आप तैयार करके जाएंगे, निश्चित तौर पर चलिए कि उसमें से आपकी संभावना होगी कि आप जीएस में से 25 में से कुछ नहीं तो 22-23 प्रश्न तो आराम से कर लेंगे, अगर आपने करंट का रेगुलर टच रखा हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग जो है बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। राजू जी बेटा गुड इवनिंग, निष्ठा जी, सभी बच्चे लोग जो है आंसर किया है बहुत बढ़िया बेटा। आप देखिए इतने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी आंसर किया था, सुरभि जी ने, फारूकी जी ने, अरुण जी ने, आलोक जी ने, विष्णु जी ने, जिक्रा जी ने, ऐशिका जी ने, अनुज जी ने और दीपक जी ने, सभी बच्चे लोग डेली आंसर करेंगे बेटा कमेंट बॉक्स में। उसका कारण समझिए बात को, अननोन प्रश्न जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, चाहे कितना भी आपने पढ़ाई की हो, उसका फायदा नहीं होता बच्चा। क्योंकि जब तक अननोन प्रश्न हम सॉल्व नहीं करते, हमारा माइंड जो है वो अपना लॉजिक जो है, जिस लॉजिक से रिएक्ट करता है, उसको जब तक स्ट्रांग नहीं हम करेंगे, तब तक हमारे लिए एग्जाम की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली बच्चों। तो इसलिए अननोन प्रश्न की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और सभी बच्चे लोग एकदम सही दिशा में काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे लोग जो है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था बच्चों, आपको बताना है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द 4 नोबल ट्रुथ, आपको बताना। सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सबके आंसर आने चाहिए और आपके ऑप्शन क्या है,
सारनाथ है, राजगीर है, लुम्बिनी और बोधगया है, चार विकल्प हैं। और दोस्तों ये सीजल 2021 का क्वेश्चन है, सीजल 2021 का क्वेश्चन है। सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। शशि प्रभा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए। शशि प्रभा जी ने आंसर करना है, अर्पिता जी ने आंसर किया है, सुरभि जी ने आंसर किया, वेरी गुड बेटा। निष्ठा जी, आलोक जी, कुमार सचिन जी, सब बच्चे लोग ये लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अशिका जी ने भी ये लिखा है, फारूकी जी, विशाल जी, मनोजी जी, सभी बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं। प्रज्ञा जी ने भी आंसर किया है, पंकज जी ने भी आंसर किया, अंतरीप जी भी ये लिख रहा है, वेरी गुड बेटा। और सभी बच्चे लोग सारनाथ है यही बता रहे हैं। इसका मतलब ये बच्चों की आपको क्लियर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, और एक बार दो बार नहीं बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप सब बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ को ऋषिपत्तन में चार महान सत्य पर अपना उपदेश दिया था बच्चों। तो सारनाथ को क्या बोला जाता है, ऋषिपत्तन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका सारनाथ का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ऋषिपत्तन है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगेन दोस्तों मैंने आपसे बोला है कि 3 क्वेश्चन आपको अगेन इससे मिलते हैं, और ये बताता है बच्चों के इससे संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं वो मैं आपको क्या कर रहा हूं, तैयार करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विद म्यूजिक, आपको बताना है निम्न में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है बच्चों। तो सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। देखिए 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, और ऑप्शन से अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद है। सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, और सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। ऑप्शन आपके हैं 4 वेद, और बताइए फटाफट आंसर करके इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। पार्ले जी ने डी लिखा है, प्रज्ञा जी ने डी लिखा है, अर्पिता जी ने डी लिखा है, वेरी गुड बेटा। अंतरीप जी, रश्मि सोनी जी, सुरभि जी, आलोक जी, सभी बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सामवेद या डी ही आंसर आप लोग आ रहा, और कोई आंसर नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग एकदम श्योर है कि यही आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगीत से संबंधित अगर कोई वेद है तो वो आपका क्या है बच्चों, जो आप लोग आंसर कर रहे हैं वही आपका इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट करेक्ट आंसर भी है। और एब्सोल्युटली राइट आप बच्चों ने आंसर किया, और बहुत बढ़िया आप लोग जो है पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब डे बाय डे आपका जो एक्यूरेसी है बच्चों, जो आंसर आप करते हैं वो बढ़ता जा रहा है, और ये दिशा दिखाता है बच्चों कि आप लोग किस दिशा में एग्जाम में जाने बैठने जा रहे हैं। अब तो मात्र 7 दिन बचे हैं बच्चों, 7 दिन बचे हैं, तो डिसाइडिंग क्या है, डिसाइडिंग 7 स्लॉग डेज बचे हैं बच्चों। तो स्लॉग ओवर में जितनी ताबड़तोड़ आप रिविजन कर सकते हैं बच्चों, जितनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं वो करना है, और उसी के लिए 6:30 बजे वाला सेशन है बच्चों। इसको ने फॉलो कर लिया बच्चों, एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो जीएस में सेट कर देगा पेपर में, और अच्छा खासा स्कोर करेगा, और आपको फाइनल मेरिट में स्थान दिलाने में भी जीएस का एक अहम रोल होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने आंसर किया है। और देखते हैं साम शब्द का अर्थ संगीत या गान होता है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए। साम शब्द का अर्थ क्या होता है, संगीत या गान होता है, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, सामवेद में यह अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संज्ञा है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। तो अगेन आपके लिए क्या है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, द उपनिषद आदि, आपको बताना है कि उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, और एसएससी सीजल ने क्या किया है बच्चों, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, कि कानून की पुस्तक है उपनिषद, क्या है चारों में से विकल्प। तो सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबके आंसर आने चाहिए, और फटाफट आंसर करिए और बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उपनिषद क्या है, कौन सी किताबें हैं उपनिषद, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है, और एसएससी सीजीएल ने भी क्या किया 2016 में क्वेश्चन किया है। तो आंसर आने शुरू हो गए बच्चों। आलोक जी ने सी लिखा है, रश्मि जी ने, सुरभि जी ने भी सी लिखा है, अंतरिक्ष भी सी लिख रहे हैं, विशाल जी, आशिका जी, सागर जी, प्रज्ञा जी, सभी बच्चे लोग सी लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अंशिका भारद्वाज जी जुड़ चुकी हैं, वो भी सी लिख रही हैं, और सभी बच्चे लोग जो लोग रिसेंटली जुड़ रहे हैं बेटा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे बेटा, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाए। तो फारूकी जी लिख रहे हैं कि हिंदू फिलॉसफी है सर, और सुरभि जी ने कहा कि सी को 100% सही है, लॉक कर दीजिए सर इसको। निष्ठा जी ने और मनीष जी ने भी यह लिखा है, वेरी गुड बेटा। तो देखते हैं सी होगा कि नहीं, बिल्कुल बेटा सी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है, और हिंदू दर्शन का स्रोत है ये बेटा। उपनिषद की किताबें जो है ये आपके क्या है, ये दर्शन का स्रोत है, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, वैसे भी आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रितिका जी उठ चुकी हैं, गुड इवनिंग बेटा, फटाफट आंसर करना है सबको बच्चों। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का
अंतिम वर्ग उपनिषद है, ठीक है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, पूछा जाता है उपनिषद को और क्या बोला जाता है, तो वेदांत भी बोला जाता है या वेदांत दर्शन भी बोला जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने आपसे बोला है बार बार कि आपके लिए क्या है, एक दो बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है, ये भी एक अर्थ होता है बच्चों, जो आपको जानना चाहिए। अगेन दोस्तों आपका क्या है, 2 से 3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो उपयोगिता बताते हैं बच्चों कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है और सेशन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है बच्चों, सभी बच्चों लोगों को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, द लेक, कौन सी लेक है इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य। आपको बताना है बच्चों, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो सभी बच्चे लोगों को बताना है बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए ये आपका क्या है, 2020 का सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों, तो सभी बच्चे लोग फटाफट बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। पुष्कर है कि लोनार है कि लोकटक है सुदर्शन है, 4 विकल्प है, सबके आंसर आने चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो बच्चों जिसने आंसर नहीं किया, सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है। अमित जी गुड इवनिंग बेटा, फटाफट आंसर करिए और एक बार सेशन को लाइक और शेयर सब बच्चे लोग कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो पार्ले जी ने आंसर किया, अर्पिता जी ने आंसर किया, अंतरिप जी, आलोक जी, सुरभि जी, शिव ठाकुर जी, सभी बच्चे लोग आंसर कर रहे हैं, प्रज्ञा जी ने, रश्मि जी ने, विशाल जी ने, निशा जी ने, सभी बच्चे लोग फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं बेटा। और ये दिखाता है बच्चों की आपकी तत्परता, आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है और जिस स्पीड से आप लोग आंसर कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो स्पीड आप लोग दिखा रहे हैं, वो स्पीड शो कर रहे हैं, वही स्पीड रिक्वायर्ड है बच्चों आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस बात को समझिएगा बच्चों, क्योंकि स्पीड क्या है, जितनी स्पीड से आप आंसर करेंगे 5 से 7 मिनट में आप जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद जो समय शेष बचता है अन्य सेक्शन पर लगाइए और एग्जाम में सिलेक्शन ले लीजिए। यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है बच्चों एसएससी की परीक्षा या किसी भी परीक्षा को निकालने की। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आप लोग दिखा रहे हैं बच्चों, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन यू आर शोइंग। और आपका आंसर क्या है, सुदर्शन झील एकदम करेक्ट आंसर है। और आप सभी बच्चों ने क्या कहा है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है बच्चा। चलिए जिनका गलत हुआ है वो लोग निराश नहीं होंगे बेटा। गुजरात में सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो यह ध्यान रखना है बच्चों, किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक के राज्यपाल तुषासन ने बाद में उसमें नहर निकाली थी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब काम तो किसने किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, फिर अशोका के समय में काम हुआ इस बार, इसके बाद रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूटने पर उसके प्रांतीय शासक सुविशाक ने उसकी मरम्मत कराई थी। तो अगेन आपके लिए क्या है, ये आपकी जो झील है बच्चों, सुदर्शन झील जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों, एंशियंट हिस्ट्री में, क्योंकि 3-3 शासक जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए प्रश्न आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार दोस्तों इस प्रश्न के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूं, ठीक है। यह प्रश्न आपका आ सकता है, बार बार आ सकता है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3-3 शासक जो है, बहुत महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और रुद्रदामन, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है और 3 डिफरेंट डायनेस्टी के हैं ये। तो आप क्या करना है बच्चों, आपको ये समझना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आपके मौर्य वंश के और रुद्रदामन आपके डिफरेंट डायनेस्टी के हैं। तो आपको ये समझना है कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अगेन 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बच्चों जो सेशन की उपयोगिता को बताते हैं। और अगले प्रश्न का आंसर आपको करके बताना है कि बिंदुसार किसका पुत्र था बच्चों, आप लोग बताइए, हूज सन वॉज बिंदुसार, आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपके सामने है, अशोका, चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी। सभी बच्चे लोग फटाफट आंसर करिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, फटाफट आंसर करना है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से करिए आंसर, जितना तेज करेंगे बच्चों उतना ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेक्स का सेशन ले लूंगा बेटा, इसका जी परेशान नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट लेक्स है उससे संबंधित क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं ऑलरेडी इस मॉक में ही, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, अलग से पढ़ना नहीं है अभी कुछ। अभी केवल आपको क्या करना है, जितना मॉक कराया जा रहा है बेटा उससे रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आप तैयारी को कंप्लीट करिए और स्पीड को बढ़ाइए। और सभी बच्चे लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चा, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कह रहे हैं, बी आंसर आप लोग कर रहे हैं या ए आंसर, 2 विकल्प आ रहा है, या तो बी आ रहा है या तो ए रहा है। मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ वोट है बच्चों, डिवीजन ऑफ वोट का मतलब क्या, मत विभाजन हो गया बच्चों, तो मत विभाजन हो गया। तो देखते हैं, चलिए क्या आंसर होगा,
राइट आंसर बच्चों चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त क्यों होगा? अब बी ए में कंफ्यूजन आपको क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप समझिए बच्चों हायरार्की क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद कौन आया? तो अशोका। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को क्रम याद कर लीजिए। क्रम अगर क्लियर हो जाएगा बच्चों तो आपका कभी प्रिय प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला। सभी बच्चे लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। एक बार सभी लोग बेटा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। देखिए आगे देखते हैं बिंदुसार ने क्या किया। 298 से 273 ईसा पूर्व शासन किया था। भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि बिंदुसार का काल एग्जाम में एक बार पूछा गया है। और दूसरा चीज क्या पूछा गया है? किसका लड़का था और किसका पिता था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगेन आपके लिए क्या है? बहुत बढ़िया बेटा आप लोग आंसर किए हैं आप लोगों ने, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। बच्चों तो सभी बच्चे लोग आंसर करके बताइए विद रेफरेंस टू द अर्ली इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये प्रश्न आपका 2021 का है और आपके ऑप्शन है आपका देखिए हरिशियन है, विशाखदत्त है, बाला भट्टे और चरक आपके ऑप्शन है। सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। आंसर भी उतनी तेजी से करके दिखाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए। संदीप जी भी जुड़ चुके हैं बेटा, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। देखिए आंसर क्या आ रहा है। रश्मि जी ने चरक लिखा है, वेरी गुड। चित्रसेन जी ने, निष्ठा जी ने, अंतरिक जी ने डी लिखा है, पंकज जी ने, प्रज्ञा जी ने भी डी लिखा है, वेरी गुड बेटा। और सभी बच्चे लोग यूनानिमस आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन आप लोगों ने दिखाया है बच्चों। और फिर से कुमार सचिन जी ने डी लिख दिया है और रश्मि सोनी जी ने, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी बच्चे लोग आंसर जो कर रहे हैं वो भी दैट टू इन द करेक्ट डायरेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों आंसर क्या होगा। बच्चों चरक एकदम करेक्ट आंसर है और आप सभी बच्चे लोग जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये आंसर बताया। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने क्या किया है वो डी या चरक ही बताया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए चरक क्या थे? कुषाण शासक कनिष्क के राज्य में थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि किसके शासन काल में थे? तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में थे ये, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। यही आपका क्या है? यही आपका क्वेश्चन है। तो अगेन आपको एक प्रश्न जो है वो दो क्वेश्चन दे रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बच्चों अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर। आपको बताना है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बच्चों। तो सभी बच्चे लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि इसके ऑप्शन क्या है? कान्हा है, हल है, सिमुक है, ये गौतमी पुत्र है। और दोस्तों सीजीएल 2016 का क्वेश्चन, मैंने बार बार कहा है कि वैसे ही प्रश्न हम लोग को करने हैं बच्चों जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना जिसकी है। तो सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटा लेट है तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्लास बेटा हमेशा कंडक्टिव रखिए बेटा, नो पर्सनल टॉक्स। मैंने बार बार आपसे बोला है जिसको करना है वो आराम से बाहर जाके कर सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केवल केवल पढ़ाई करिए बच्चों और क्लास का डेकोरम मत डिस्टर्ब करिए, क्योंकि देखिए उससे फायदा नहीं होगा, अन्य बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि डेकोरम प्लीज मेंटेन करके रखें बेटा सभी बच्चे लोग। ठीक है, तो आंसर आने शुरू हो गया बेटा। अंतरीप जी ने, रश्मि जी ने वेरी गुड आंसर लिखा है बेटा, सिमुक लिखा है, अश्का जी ने सी लिखा है, संदीप जी ने, शशिप्रभा जी ने सी लिखा है, वेरी गुड बेटा, अमित जी ने सी लिखा है, संदीप जी ने सी लिखा है, और बाबू जी भी सी ही लिख रहे हैं, अभिषेक गर्ग जी ने सी लिखा है, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे लोग देखिए और देखिए आंसर क्या है बेटा, सिमू का आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बताते हैं बार बार कि डेमोक्रेसी में कितनी ताकत होती है, संख्या बल जहां पर होता है सरकार को भी उसी के अनुरूप जो है अपनी नीतियां बनानी पड़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, आते हैं देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधु या सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिससे कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कि कर्ण वंश के शासक सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का क्या था? सबसे शक्तिशाली वंश था, कौन सा? सातवाहन वंश। ये दोनों डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग देखिए आगे आंसर करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों। और देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, 2016 का SSC सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से
मदुरई और दिल्ली से विजयनगर आपके विकल्प है, तो सभी बच्चे लोग आंसर करिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, फटाफट आंसर करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करना है, तेजी से आंसर करना है और जितना तेजी से आंसर करेंगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए आंसर आने शुरू हो गए, अर्पिता जी ने बी लिखा है, आलोक जी ने बी लिखा है, प्रज्ञा जी ने बी लिखा है, अमित जी ए लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो ए या बी दो ऑप्शन अभी तक आए हैं, तो चित्रेंद्र भी बोल रहे हैं कि ए ही हो सकता है सर। रश्मि जी ने फिर से बी लिखा है, निष्ठा जी बी लिख रही हैं और संदीप जी ने बी लिखा है, दौलताबाद लिख रहे हैं। तो सभी बच्चे लोग जो है बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं बेटा, और दिल्ली से देवगिरी जो है रश्मि सोनी जी ने लिखा, और एक बार सेशन को आप लोग बच्चे लोग शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं बच्चों, दिल्ली से देवगिरी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चों ने क्या है, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने क्या लिखा है, वो बी ही आंसर किया है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाती है कि देवगिरी जो है वो क्या है, वो दौलताबाद भी है, ठीक है। तो देवगिरी और दौलताबाद क्या है बच्चों, एक ही है, ठीक। इसके बाद बच्चों दूसरा चीज क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था, देवगिरी को कुवत इस्लाम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और आपका इस बार एसएससी सीजीएल में आ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है बच्चों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। द पीरियड बिटवीन विच पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड, आपको बताना है। और सभी बच्चे लोग फैंटास्टिक आंसर कर रहे हैं बच्चों, और ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1206 से 1526, 1456 से 1675, 1105 से 1445 और 745 से 1245 चार विकल्प हैं। सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे और बता देंगे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या है, भारत के इतिहास की किस विधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो सभी बच्चे लोग बताइए, पार्ले जी ने ए लिखा है, सुरभि जी ए लिख रहे हैं, प्रज्ञा जी ने लिखा है, रोहित जी भी ए लिख रहे हैं, वेरी गुड। निष्ठा जी ने लिखा नो आइडिया, कोई बात नहीं, आंसर करिए बेटा, जो लग रहा है वो आंसर करने के लिए स्वतंत्र है, सबके आंसर आने चाहिए, सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे, एक बच्चा भी ऐसा ना हो जिसने आंसर नहीं किया, पार्टिसिपेशन रेशियो 100% होना चाहिए। तो सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, वैभव जी ने लिखा वेरी गुड, संदीप जी भी ए लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आप लोग पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं और सबके आंसर आने चाहिए। सुरभि जी ने भी ए लिखा है, संदीप जी भी ए लिख रहे हैं, अर्पिता जी ने 1206 से 1526 लिखा है। तो देखते हैं चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर आपका 1206 से 1526 ही है, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है आप लोगों में से कम से कम 95% बच्चों ने यही आंसर किया है, या तो आपका आंसर लिखा है 1206 से 1526 और या तो ए लिखा है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है और एकदम करेक्ट नॉलेज आप लोगों को है बच्चों। अब इनके बारे में दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने आपके सामने यहां पर शो किया है, जो आपको याद रखना चाहिए। भारत के इतिहास में 1206 से 1526 तक की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है, इस दौरान मुख्यतः 5 वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था बच्चों, और ये एग्जाम में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 5 वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। अब पांचों के नाम कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट हमारा वही है, देखिए स्थापित राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार है, पहला गुलाम वंश था जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश था 1320 से 1412 और फिर सैयद वंश था 1414 से 1451 और फिर लोदी था 1451 से 1526। तो आपके अगेन क्या है बच्चों, यहां पर 5 क्वेश्चन आपके मिले, 5 वंश मतलब बच्चों पांचों का कार्यकाल पूछा गया है। तो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके लिए ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 5 वंश का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे लोग जो है ये बात को ध्यान रखेंगे, ये मैंने बताया है जीके ट्रिक को सलाम जो है मैंने भी, आप ये बच्चे ने जो लिखा है वैभव जी ने बहुत सही लिखा है और मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जीके ट्रिक को सलाम ये ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 में जो हुई थी, द ब्रिटिश फॉस्ट अगेंस्ट विच, आपको बताना है अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। और देखिए आपके ऑप्शन क्या है, फ्रेंच है, डच है, डेनिश है, पुर्तगाली है, चार विकल्प है, तो फटाफट आंसर करिए और बता
बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना तेजी से आप लोग आंसर करके बताएंगे उतना आंसर आपका क्या होगा, सही होने की संभावना आपकी बढ़ेगी और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। बच्चों बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटा इंग्लिश की क्लास इसके बाद होगी, अभी जीएस की क्लास पढ़िए, अभी पढ़िए बेटा, अभी इसके बाद है, ठीक है, परेशान नहीं होना, जल्दी से आंसर करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों सबके आंसर आने चाहिए, रोहित जी ने भी वेरी गुड लिखा है, वेरी गुड फ्रेंच लिखा है, मनोज जी, रश्मि जी ने, चित्रसेन जी ने, सभी बच्चे लोग जो भी लिख रहे हैं या फ्रेंच आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, आंसर जरूर करेंगे, और एक बार सभी बच्चे लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। तो देखा जाए बच्चों आपका राइट विकल्प क्या है, पुर्तगाली आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, स्वाली के युद्ध में युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का संभावित प्रश्न भी है। अशिका जी अगर आइडिया नहीं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सीखने की बात है, आपके लिए सीखने की बात है। जिसका आइडिया नहीं होता वो प्रश्न वाले ज्यादा अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि नई चीज सीखने को मिल रही है, और नई चीज सीखने को मिल रही तो हमारे परीक्षा में आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है और हमारा प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ता है। बहुत अच्छे बेटा है, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। स्वाली की लड़ाई जिसे स्वाली के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है 29 से 30 नवंबर 1612 को हुई थी। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो भारत के गुजरात के सूरत शहर के पास एक गांव स्वाली के तट पर लड़ा गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्वाली का युद्ध बोलते हैं। इसके बाद यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी, और यही आपका प्रश्न है बच्चों। तो अगेन आपको क्या है, यह प्रश्न था, ये एडिशनल चीज आपको मिल गई, और ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, गुजरात के पास सूरत के तट के पास ये स्वाली नामक गांव में लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा। तो अगेन क्या है, तीन प्रश्न आपको यहां पर मिल रहे हैं जो इसकी उपयोगिता को आपको बताता है। बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी आपको बताना है। भारत में बेटा पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, वेयर इज इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश। देखिए ब्रिटिश फैक्ट्री तो हम लोग को याद रहता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमारे पर शासन किया, लेकिन फ्रेंच फैक्ट्री जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है 2016 का, बच्चों देख सकते हैं आप लोग सीजीएल का, और सूरत है, पांडिचेरी है, चंद्रनागौर है, मसूलीपट्टनम चार विकल्प है। तो फटाफट आंसर करना है और बता देना है बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों सभी लोग आंसर करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, और एक बार बच्चों सभी बच्चे लोग क्या करिए, एक सेशन को शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। सब लोग बेटा आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंशिका जी ने ए लिखा है, वेरी गुड बेटा, अंशिका जी ने, रश्मि जी ने, और वेरी गुड, सभी बच्चे लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो विद्या जी ने डी लिखा है, अमित जी ने डी लिखा है, अंशिका जी ने सूरत लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा आप लोग आंसर कर रहे हैं। और देखिए सूरत क्या है, सूरत आपके लिए बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों रहा है, क्योंकि सूरत एक ऐसा स्थान है, सूरत के पास ही बच्चों गुजरात में देखिए आपका क्या था, हड़प्पा काल में भी आपको एक जगह मिल जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोथल बोलते हैं। तो लोथल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम लोग बंदरगाह शहर बोलते हैं, ठीक है। तो गुजरात में देखिए तटीय इलाका है, तटीय इलाके में जो है हमेशा से जो है इस तरीके के अवसर रहे हैं जहां पर संभावनाएं होती है व्यापार करने की, व्यापार को बढ़ाने की, इसीलिए आपके लिए प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत बढ़िया लॉजिक आप लोगों ने लगाया बच्चों, आपका राइट आंसर भी क्या है, एकदम सही है, क्यों, क्योंकि सूरत आपका क्या, आप लोग देख सकते हैं इसमें से सूरत जो है एकदम करेक्ट आंसर। और सभी बच्चों ने फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन दिखाया है, और ये डिटेल आपके लिए फ्रांस के राजा लुईस 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी बच्चों, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, 1664 में स्थापना हुई थी किसकी, फ्रेंच कंपनी की, और लुईस 14वें के मंत्री कौन थे ये भी एग्जाम में पूछा गया बच्चों, तो कॉलबर्ट थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीन क्वेश्चन हमें मिल गए बच्चों, जिसके नाम क्या था, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस्ट कहा गया इसको। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो यह भी बच्चों पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में आया था अभियान दल, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, और 1668 में सूरत में अपने कारखाने की स्थापना की थी, और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री बच्चों। तो आपके लिए क्या है, अगेन पांच क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं जो बताता है बच्चों की कितना उपयोगी सेशन है बच्चों। पांच क्वेश्चन अलग से आपको मिल रहे हैं बच्चों, अब इस प्रश्न को अगर आपने तैयार कर लिया तो एक भी प्रश्न अगर आपका आया फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित तो आपका गलत नहीं होगा, ये मैंने प्रयास किया है। तो सभी बच्चे लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और सेशन के अंत तक बने रहना है ऐसे ही प्रश्नों के लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किस नियुक्त किया जाता है कि निर्वाचित किया जाता है, यह प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएंगे किसका राइट आंसर क्या है। लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित होता है। तो सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, सबके आंसर आने चाहिए बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर करके बताना है सबको इसका राइट आंसर क्या। कमल जी गुड इवनिंग बेटा, लेट जुड़ रहे हैं,
अगर अभी जुड़े हैं तो फटाफट आंसर करिए और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बेटा बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। सी आंसर आ रहा है बेटा, पार्ले जी ने सी लिखा है, वेरी गुड, निशा जी ने फिर लिखा है, रश्मि जी ने सी लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे लोग सी ही आंसर कर रहे हैं या तो बी आंसर आ रहा है। प्रियांशी भगत जी ने भी सी लिख दिया है, पुष्प राजा जी जो है सी लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, और सभी बच्चे लोग या तो सी लिख रहे हैं और या तो अंतरिक्ष जी ने लिखा है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है सर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखा जाए बच्चों राइट आंसर आपका क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो यही आपका क्या है बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे लोग जो है जिन्होंने सी आंसर किया था बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट दिखाया दोनों ने, और आप सभी बच्चे लोग बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। अब जैसे आपके आंसर आ रहे हैं बच्चों, अब मेरे को विश्वास होने लगा है कि आप लोग जो है डेफिनेटली पेपर में जो है आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बेटा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है, तो ध्यान रखना है बच्चों आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, तो यह भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए बच्चों। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, इस बात को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 तो क्या कहता है बच्चों, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, आप समझिए बच्चों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं बच्चों, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यही आपका संसदीय प्रणाली की मूलभूत विशेषता है। तो अगेन मैंने आपसे क्या बोला है बच्चों, 4 से 5 प्रश्न आपको मिलते हैं जो सेशन की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। सभी बच्चे लोग फैंटास्टिक आंसर कर रहे हैं, एक बार सभी बच्चे लोग जो है इसका भी आंसर करके बताएं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है बच्चों, आपको बताना है, हु डिटरमाइंस द रैंक एंड मेंबरशिप ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। और आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बताना है बच्चों, होम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट, सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे और बताएंगे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे के आंसर आने चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर करना है बच्चों, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाई, जीएस में बच्चों कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है बच्चों, जो लग रहा है उसको लिख दीजिए, रिएक्शन टाइम 0 होना चाहिए, जो दिमाग में आ रहा है उसको जो है टाइप करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने आंसर किया, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सी आंसर कर रहे हैं संदीप जी, रोहित जी ने रूलिंग पार्टी लिखा है, कमल जी ने सी लिखा है, वेरी गुड बेटा, निष्ठा जी ने सी लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंतरिम जी ने लिखा है, वेरी गुड बेटा, और आंसर क्या है बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। मैंने अभी अभी आपको बताया आर्टिकल 74 और 75 के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करेगा बच्चों, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, वो आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। तो अगेन क्या है, राष्ट्रपति क्या है इंपॉर्टेंट हो गया और राष्ट्रपति ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब समझ में आ गया बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए बच्चों, सभी बच्चे लोग। ठीक है अब देखिए अगले प्रश्न में आते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, सभी बच्चे लोग बता दीजिए फटाफट आंसर करके बेटा, सबके आंसर आने चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो बच्चों जिसने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से करिए आंसर बच्चों, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और एक बार सेशन को बेटा सभी बच्चे लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, इतना तो बनता है, चलिए सभी बच्चे लोग कर दीजिए बेटा, एक बार आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुमार सचिन जी ने सी लिखा है, वेरी गुड, रोहित जी ने लिखा है, फारूकी जी जल्दी आंसर करना है बेटा, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग, कितना लेट क्यों कर रहे हैं, जितना जल्दी आंसर करना है बेटा मैं बोल रहा हूं आप लोग उतना ही आराम से आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। 1975 से लेकर 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए। यशिका जी ने डी लिखा है, चित्रसेन जी ने डी लिखा है, वर्षा जी ने भी लिखा है, रश्मि सोनी जी इंडिया लिख रही हैं, संदीप जी ने डी लिखा है, भारती जी ने, विद्या जी ने, सभी बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो देखा जाए क्या आंसर होगा, इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर बच्चों, आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी ने ही आपातकाल इंपोज किया था, आपको पता होना चाहिए बच्चों। और एसएससी सीजीएल का बच्चों क्या है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए क्या है परीक्षा का संभावित क्वेश्चन भी है। ठीक है तो 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी, आप लोग को याद रखना चाहिए। और
एग्जाम के लिए इस बार का संभावित प्रश्न हो सकता है, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। आगे बच्चों पढ़ना है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न में आते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं बच्चों, ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश और अपने स्वयं की ओर से बच्चों, और सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे लोग आंसर करेंगे उतना ही ज्यादा मैं समझूंगा बच्चों की आपका सक्सेस रेशियो जो है वो कितना हो रहा है। जल्दी से आंसर करना है और बता देना है बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। अभी मैंने आर्टिकल 74-75 बताया आपको, 74-75 बताया है बच्चों। और नियुक्त कौन करता है राष्ट्रपति, तो आप लोग बताइए, मैंने हिंट दे दिया है, तो आपको बर्खास्त कौन करेगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे। पार्ले जी ने सी लिखा, प्रज्ञा जी ने सी लिखा, अंतरिप जी ने सी लिखा, वेरी गुड बेटा, संदीप जी सी लिखा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, अश्का जी ने, अमित जी ने, सभी बच्चे लोग सी लिख के बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन आप लोग दिखा रहे हैं बच्चों। आप लोग सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल बेटा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करेगा, यही आपका क्या है बच्चों, क्योंकि नियुक्ति भी कौन करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, तो बर्खास्त भी कौन करेगा, वही करेगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया बच्चों, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन है, पीएम होता है बच्चों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 75(3) ये है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं संसदीय प्रणाली का आधार है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये संसदीय प्रणाली का आधार है, ये अनुच्छेद, ये मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है, आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन है बच्चों। संसदीय प्रणाली का आधार क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, आर्टिकल 75(3) याद कर लीजिए बच्चों, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग देखिए, मैंने बार बार आपसे बोला है कि जो प्रश्न मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, जो चीज वो एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला पीडीएफ आप सब बच्चों को मिल जाएगी, वो भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस बात को ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे लोग डेली 6:30 पे अटेंड करें और पीडीएफ प्राप्त कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल आपको बताना है बच्चों, द्विसदनीय है, सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। Which of the following states has the bicameral legislature? तो फटाक से आंसर करिए, बता दीजिए क्या आंसर क्या, तमिलनाडु है, पंजाब है, सिक्किम है, यूपी है, और सीजीएल का बच्चों 2016 का क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। और एक बार सभी बच्चे लोग जो है आंसर तेजी से करके बताएंगे, और जिन्होंने बेटा सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया उसको जरूर कर दे बच्चों, और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या बच्चों। देखिए शशि प्रभा जी ने, रोहित जी ने यूपी लिखा है, मनोज जी ने डी लिखा है, वेरी गुड बेटा, पार्ले जी ने डी लिखा है, प्रज्ञा जी ने डी लिखा है, मुकेश जी भी डी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, तेजी से आंसर करना है सभी बच्चों को बेटा, जितना तेजी से आंसर करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, सभी के आंसर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा और मैं नाम ले पाऊंगा सभी बच्चे लोगों का, तो देखा जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, क्या डी या उत्तर प्रदेश राइट आंसर है, बिल्कुल बेटा डी या उत्तर प्रदेश क्या है, एकदम राइट आंसर। और सभी बच्चों ने फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन दिखाया है, और देख लेते हैं बच्चों किन किन राज्यों में आपका जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना और यूपी में बच्चों। द्विसदनात्मक विधानसभा है, विधायिका का मतलब क्या होता है बच्चों, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब 6 राज्य आप लोगों को याद रखने हैं, कौन कौन से है 6 राज्य आप देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, याद कर लीजिए बच्चों। और ये प्रश्न आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न है, इस बार ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है बच्चों, 2 प्रश्न मैंने आपको यहां बताए। और द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब भी क्या होता है बच्चों, क्योंकि 2 सदन होने चाहिए, भारत के सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल 6 राज्य हैं जिनमें आपका है और उनके नाम मैंने बताए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी है बच्चों, आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्र, आपको बताना है बच्चों। और आपके ऑप्शन यहां पर दिए हैं, देखिए अमरावती है, सिकंदराबाद है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको बताना है बच्चों किसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट आंसर करिए और बता दीजिए किसका राइट आंसर क्या है, सभी बच्चे लोग बताइए बेटा। जो बच्चे लोग पर्सनल टॉक कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, या तो बंद कर दें या तो मैं उनका नाम ही नहीं लूंगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे लोग देखिए, जो पर्सनल टॉक कर रहे हैं उनसे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर जो बच्चा यहां पढ़ने नहीं आया बेटा उससे डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग आंसर करिए बेटा, कुमार सचिन जी ने ए लिखा है, वैभव जी ने अमरावती लिखा है, वेरी गुड, और पार्ले जी ने सी लिखा है, आलोक जी ए लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, निश्चा जी ने भी ए लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐशका जी ने, तनिषा जी ने भी ए लिखा है, सभी बच्चे लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं या अमरावती लिख रहे हैं, तो चलिए देखा जाए कि क्या ये राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल अमरावती क्या है, एकदम राइट आंसर है, और सभी बच्चे लोगों ने एक्सीलेंट आंसर किया बेटा। एक बार सभी लोग क्या करेंगे सेशन को शेयर जरूर कर दे जिन्होंने नहीं किया। अब देखा जाए अमरावती
अमरावती शहर सीमांत्र जो है शेष आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश का क्या हुआ बच्चों, विभाजन हुआ है। विभाजन हुआ तो तेलंगाना को अलग कर दिया गया और जो शेष आंध्र प्रदेश बचा उसको क्या बोला गया, सीमांध्र बोला गया। ठीक है, इसका विकास राजधानी के रूप में किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती जो है प्राचीन काल में अमरावती बौद्ध संस्कृति का केंद्र थी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख सकते हैं बच्चों लोकेशन इसकी क्या है, ये मैप ऑफ इंडिया मैंने आपके लिए शो किया है और आप लोग देखिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश बच्चों, ये आपका आंध्र प्रदेश है और ये आपका बच्चों क्या है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी बच्चों क्या है ये आंध्र प्रदेश है और इसकी नई राजधानी क्या है बच्चों अमरावती है। ये दोनों मैंने यहाँ पर शो करके आप लोग को दिखाया है। सभी बच्चे लोग क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे बेटा और एक उसको नोट कर लेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, पहले क्या था ये टोटल आंध्र प्रदेश था बच्चों, अब क्या है तेलंगाना का पोर्शन, ये काट के अलग कर दिया, काट के अलग कर दिया गया, तेलुगु भाषी लोगों को काट करके क्या किया गया अलग, आपका राज्य का निर्माण कर दिया गया तेलंगाना का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे लोग उसको देख लीजिए और सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है बच्चों, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोंडीला दर्रा, मंचगा धुरा दर्रा, नाथुरा दर्रा, बारालाचला दर्रा, चार विकल्प है। तो सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सबके आंसर आने चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना बच्चों जिसने आंसर नहीं किया, सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बाउंसर क्वेश्चन कुछ नहीं होता बेटा, पिताजी आंसर करिए, या तो आता है या तो नहीं आता है, बाउंसर नाम की कोई चीज नहीं होती। जब नहीं आता है तो नोट कर लेना, मैंने तरीका आपको बता दिया, जब नोट कर लेंगे बेटा तो वही आपका क्या होगा एग्जाम के टाइम में, एक दिन पहले रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा बेटा, वो संभावित आपका क्या है पेपर में क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप कभी नहीं गलत करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं आप लोग। तो मंशा दुर्गा जो है आपका करेक्ट आंसर है, तो देख लीजिए बेटा वहां की उसकी लोकेशन क्या है, मंशा दुर्गा की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। देखिए बच्चों ये पासेस ऑफ इंडिया है बच्चों, ये क्या है, ये पासेस ऑफ इंडिया है, इसका मैंने मैप आपको यहां पर शो किया, सभी बच्चे लोग पीडीएफ में देख लेंगे एक बार बेटा, सभी बच्चे लोग इसको ध्यान से देखो और सेशन को शेयर करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पासेस ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं बच्चों उत्तराखंड के तरह, देखिए ये आपका मानाला है बच्चों, ये मुलिंगला है, ये आपका क्या है मंशा धुरा आपका, ये आपका दर्रा है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में, और ये बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया, ये दर्रा जो है बच्चों लुपुलेख दर्रा है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से आपकी क्या होती है स्टार्ट होती है, अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे नाथुला दर्रा है और ये जिलेबला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिपकीला दर्रा है, रोहतांग पास है, और बारालाचला दर्रा दोस्तों ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे लोग देख लीजिए यहाँ पे बच्चों क्या है, ये बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बुरलील दर्रा है और खारदुंगला दर्रा है बच्चों ये। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, ये सारे दर्रे यहाँ पे मैंने शो किए, तो सभी लोग देख लीजिए इसका क्या है सही विकल्प क्या होगा और सभी बच्चे लोग क्या कर सकते हैं एक बार सभी लोग जो है देख ले, समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ये सबके बता सकते हैं और सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है बच्चों, आपको बताना है कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और सभी बच्चे लोग बताएंगे, कोलोराडो है, मालवा है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर है, चार विकल्प है, तो सभी बच्चे लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा और सबको बताना है बेटा कि इसका राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे लोग बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, चार विकल्प है, चार में से तीन के नाम इंडिया के हैं, एक का नहीं है, तो पहचान के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, कोलोराडो है, मालवा है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर का पठार है, सभी बच्चे लोग बताइए चारों पठार है ये बात श्योर है, कौन सा नहीं है इंडिया का बताना है। तो ए आंसर आप लोग क्या रहे, ए आंसर आप लोग क्या रहे, बहुत बढ़िया बेटा ए आंसर लिखना है या कोलोराडो आंसर लिखना है, अंबिका जी ने भी लिखता है वेरी गुड बेटा और निष्ठा जी ने भी ये लिखा है, कमल जी, शशि प्रभा जी, सुन जी, सभी बच्चे लोग जो है ए ही लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपको क्लियर है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कोलोराडो प्लेटू, बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने आंसर किया है, सभी बच्चे लोग जो है कोलोराडो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन बच्चों आप लोग का है। आप देख लीजिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्लेटू, आप लोकेशन देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये भारत के क्या है पठार है, भारत के पठार है, देखिए ये आपका क्या है बच्चों, ये मालवा प्लेटू है, ये आपका मालवा प्लेटू है बच्चों, ये आपका क्या है बुंदेलखंड का प्लेटू है, ये आपका क्या है बघेलखंड का प्लेटू है बच्चों, इसके बाद बच्चों ये आपका छोटा नागपुर का प्लेटू है जो आपका खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत फेमस है, इसके बाद ये शिलोंग का पठार है बच्चों, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेक्कन ट्रैप है, इसके बाद आपका गोदावरी कृष्णा, ये आपका देख सकते हैं तेलंगाना प्लेटू है बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग देख लीजिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेटू है जो भारत में इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं जो प्रश्न था कोलोराडो प्लेटू, ये देखिए ये आपका क्या है बच्चों, ये यूएसए है,
ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका यूएसए है, आप देख सकते हैं अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आपने देखा ये कोलोराडो प्लेटो का लोकेशन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने जो है एब्सोल्यूट राइट आंसर किया है, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखाया है बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या है वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बता दीजिए, अभिसारी है कि अपसारी है कि प्लानो है कि मैंने इसके साथ चारों ऑप्शन दिए हैं, तो सभी बच्चे लोग बताएंगे बच्चों कि राइट आंसर क्या होगा। एक बार बच्चों सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके इसको सबके पास पहुंचा दीजिए, सभी बच्चे लोग एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों, सबके आंसर आने चाहिए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट शेयर करिए बच्चों और बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सबके आंसर आने चाहिए, ए बी सी डी में से क्या विकल्प होगा बच्चों बताइए। सिमरन जी ने ए लिखा है, अंतरीप जी ने ए लिखा, वेरी गुड बेटा, प्रियांशी जी ने ए लिखा है, बहुत बढ़िया, विनीता ने एकदम ए लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, पार्टिसिपेशन आप लोगों ने दिखाया है, बहुत बढ़िया, यही आंसर आप लोग के आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं ए आंसर होगा कि नहीं। बिल्कुल बेटा आपका क्या है, अभी सारी लेंस आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आप सभी बच्चों लोगों ने यही आंसर किया, ये बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन बच्चों आप लोगों ने दिखाया है। और देखिए अभी सारी या कन्वर्जिंग लेंस बच्चों इसको क्या है, लेंस में किरणों को सिकोड़ता है या एकत्रित करता है, जबकि अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस जो है वो किरणों को फैलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या है बच्चों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, किरणों को सिकोड़ता कौन है बच्चों, ये अभिसारी या कन्वर्जिंग, और अपसारी या लेंस को होता है वो क्या कहता है, किरणों को फैलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चों अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न हमारा क्या है, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस क्रिया के कारण होती है, आपको बताना है बच्चों। आपके ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सभी बच्चे लोग बताएंगे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, और एक बार बच्चों सेशन को शेयर जरूर कर दें बच्चों, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दें, इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, सबके आंसर आने चाहिए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों बताइए। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने लिखा है, तो बताइए रीजन क्या है बेटा, जो बुलबुले में चमक होती है वो किस कारण होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी का बुलबुला होता है अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो चमकता है, उसका क्या फंडा है, फंडामेंटल क्या है, यही एग्जाम का क्वेश्चन है, और एसएससी ने क्या किया बच्चों 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सभी बच्चे लोग बताइए व्यावहारिक क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी आंसर आप लोग आ रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या कर रहा है, वो सी ही आंसर कर रहा है, और बिल्कुल बेटा आप लोगों ने एकदम सही आंसर किया और सभी बच्चों लोग एकदम बधाई के पात्र हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों, आपको बताना है प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपको बताना है बच्चों क्या आंसर होगा, ल्यूसीमीटर, साइनोमीटर, क्रायोमीटर और बैरोमीटर आपके चार विकल्प हैं, तो सभी बच्चे लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी को आंसर करना है और बता देना है व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो बी लिख रहे हैं बच्चों, बी लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया पार्ले जी ने, अर्पिता जी ने लिखा आंसर नहीं किया, अंतरीप जी ने आंसर नहीं किया है, वेरी गुड, पर्सनल टॉक्स बेटा करते रहिए लेकिन आंसर भी आने चाहिए, मैंने बार बार कहा है बेटा ज्यादा फोकस आपका क्लास पे रहना चाहिए बेटा, 7 दिन एग्जाम को बचा, इस बात को समझिए आप लोग, बार बार मेरे को बोलने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है और उसमें भी आप लोग डिस्कशन पर्सनल करेंगे तो उसका फायदा नहीं है बच्चों, इस बात को समझिए, देखिए ईमानदारी खुद से बरतनी पड़ती है बच्चों, इस बात को समझिए, कोई आपको बोलेगा नहीं आपके घर में, या मैं नहीं बोलूंगा कि आप बार बार ईमानदारी बरतिए, तो जितना ईमानदारी से आप पढ़ेंगे उतना ही आउटकम आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब बबूल बोएंगे तो नीम नहीं होगा, इस बात को समझिएगा, समझ में आ रहा है बात बच्चों, तो पर्सनल डिस्कशन बेटा 50 मिनट के लिए नहीं करेंगे, ये 50 मिनट आपके जीवन के 50 साल परिवर्तित कर सकते हैं, इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूं, तो ईमानदारी से पढ़िए बेटा, ऑनेस्टी से पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए, यही उपयोगिता बच्चों आपके लिए ही सेशन है, मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं होगा बच्चों जितना आपके लिए, इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ल्यूसीमीटर आपका राइट आंसर है, ल्यूसीमीटर क्या है, एकदम राइट आंसर है, और सभी बच्चों ने क्या किया, जिन्होंने ए आंसर किया वो एकदम सही है, और जिनका गलत भी हुआ बेटा परेशान नहीं होना, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए ल्यूसीमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या, ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग किया जाने वाला चोक जो होता है वो मूल रूप से क्या होता है, आपको बताना है, जो चोक यूज्ड विद अ ट्यूबलाइट इज बेसिकली व्हाट, आपको बताना है, एन इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टर है, प्रेरक है, संधारक है, प्रणामित है, और प्रतिरोधक है, चार विकल्प है, तो सभी बच्चे लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। चित्रसेन जी बोल रहे हैं मेरा एग्जाम 6 तारीख को वाराणसी में है, बेटा चित्रसेन जी यहां लिख के क्या हो जाएगा ये बताइए, कहीं चेंज हो जाएगा तो बता दीजिए, ठीक है। आप बार बार डेली नया नया सेंटर के बारे में जानकारी देते हैं, पूछते हैं, उसका कोई यूज नहीं है बेटा,
आराम से फोकस करिए क्लास पे, पढ़ाई करिए और एग्जाम को निकालिए, यही उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों लोगों के लिए, ठीक है। तो बताइए बेटा फटाफट आंसर करके कि सर राइट आंसर क्या होगा। ऐशिका जी ने ये लिखा है, वैभव जी रजिस्टर लिख रहे हैं, पुष्पराज जी सी लिख रहे हैं, अंकित जी डी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। वेरी गुड बेटा, पंकज जी ने भी डी लिख दिया है। तो देखा जाए बच्चों की राइट आंसर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर बच्चों। ये इंडक्टर होता है, एंड इंडक्टर होता है जो चोक होता है बच्चों, क्या होता है वो प्रेरक होता है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ट्यूबलाइट मूलतः मरकरी वेपर लैंप होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मरकरी वेपर लैंप है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बच्चों इसमें मरकरी वेपर को चार्ज करने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज प्रवाह की जरूरत होती है बच्चों, बिजली के हाई वोल्टेज प्रवाह की जरूरत होती है, और चोक क्या होता है बेटा प्रेरक का कार्य करता है। ये आपका क्वेश्चन था जो आप लोगों ने क्या किया, बहुत बढ़िया आंसर करके बताया है, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन बच्चों आप लोगों ने कहा, सभी बच्चे लोग मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने आंसर किया आज। अगले सेशन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है बच्चों आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर बच्चों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है और फटाफट आंसर करिए, तांबा लकड़ी पारद और एल्युमिनियम, मरकरी एल्युमिनियम वुड और कॉपर, चार विकल्प है। तो फटाफट आंसर करना है और बता देना है बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे कौन आपका इंसुलेटर है या विद्युत का कंडक्टर नहीं है, जो कंडक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, और सभी के आंसर आने चाहिए बच्चों, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, विनिका जी ने बी लिखा, प्रज्ञा जी ने बी लिखा, अंतरिप जी बी लिख रहे हैं, भारती जी वुड लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, मुकेश जी ने बी लिखा है, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे लोग बेटा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सेशन को बेटा मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए बेटा, सभी बच्चे लोग। अब देखिए बी आंसर आ रहा है बच्चों, बी आंसर आप लोग कर रहे हैं, तो देखा जाए बी आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल बेटा बी आंसर क्या है आपका, एकदम करेक्ट आंसर, और सभी बच्चों लोग को पता है, प्रियंका यादव जी इस समय गुड इवनिंग करिए बेटा, सेशन कंप्लीट हो रहा है, डेली 6:30 पे ही जुड़ना है बेटा, अदरवाइज नुकसान, रिकॉर्डेड सेशन देखने का उतना फायदा नहीं है बच्चों जितना आपका क्या है लाइव क्लास में आंसर करने का। मॉक का मतलब क्या है बच्चों, मॉक का मतलब आपका यही होता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, देखते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है या इंसुलेटर कहा जाता है, और ये आपका डेफिनेशन है, और ये आपके लिए क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो इंसुलेटर होते हैं या विद्युत रोधी होते हैं, जिनसे होती वो क्या है वो कंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अतिरिक्त गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है बच्चों, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द लाइट बल्ब्स, तो सभी बच्चे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, और सीजीएल का बच्चों 2020 का क्वेश्चन है तो सबके आंसर आने चाहिए, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रेडॉन है, चार विकल्प है, तो फटाफट आंसर करना है और बता देना है बेटा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने आंसर नहीं किया, और अक्रिय गैस का नाम बताइए जो लाइट बल्ब में पाई जाती है, सभी बच्चों ने लाइट बल्ब देखा होगा और आप सब लोग बता सकते हैं कि वो अक्रिय गैस कौन सी है, आपके ऑप्शन क्या है, तो ए आंसर आप लोग कर रहे हैं, आलोक जी ने, सिमरन जी ने, चित्रेन जी ने, सभी बच्चों ने ए लिखा है, पुष्पराजन जी ए लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, निश्चा जी ने भी ए लिख दिया है, लुसिया जी ने ये लिखा है, पुष्पराजन जी फिर से ये लिख रहे हैं, अर्पिता जी ने भी आर्गन लिखा है, बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है, एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन आप लोग दिखा रहे हैं बच्चों, और देखा जाए इसका राइट आंसर क्या है, तो आर्गन विल बी द राइट आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा आप लोगों ने आंसर किया है और आर्गन ही एकदम करेक्ट आंसर है, और सभी बच्चे लोग बधाई के पात्र हैं। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, विद्युत बल्बों में टंगस्टन के तंतुओं को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए और वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए अक्रिय गैस आर्गन का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि विद्युत बल्बों में क्या यूज किया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो टंगस्टन यूज किया जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए अक्रिय गैस जो होती है उसका आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, और यही आपका क्या था बच्चों, यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी था। इसके बाद यह गैस बल्ब में एक निश्चित दाब पर भरी रहती है बच्चों, यह आपका क्या है, यह आपको जानना चाहिए, तो अगेन दोस्तों क्या है आपको 3 क्वेश्चन एसोसिएटेड मिल रहे हैं जो बताते हैं बच्चों कि आपका क्या है उपयोगी सेशन है, और ऐसे ही पढ़ाई बच्चों करनी है और एग्जाम में क्वालिफाई हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, आपको बताना है निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, चारों फास्फोरस है बच्चों, चारों फास्फोरस है, और देखिए इसका राइट आंसर क्या है, काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैगनी और लाल फास्फोरस, तो चार विकल्प है, सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन कमेंट बॉक्स में,
ठीक है, किसमें बताएंगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है और इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल का संभावित क्वेश्चन है और सभी बच्चे लोग ये समझ जाते हैं कि 25 क्वेश्चन के बाद सर का कंप्लीट हो रहा है बेटा, तो धन्यवाद भी देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और ज्यादा समय नहीं लूंगा बच्चों, आप लोग का बढ़िया से तैयारी करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो ये बेटर ट्रेंड व्यक्ति जो होता है बच्चों वो एग्जाम में सिलेक्शन पाता है, बेटर नॉलेज जिसको होता है उसकी संभावना उतनी नहीं रहती जितना ट्रेनिंग वाला जितना ज्यादा प्रैक्टिस बच्चा किया रहता है वो सिलेक्ट होता है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग लगाइए बच्चों, 100 क्वेश्चन लगाइए सारे सेक्शन के, आपको 25-25 क्वेश्चन लगाने हैं बच्चों। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 7 दिन शेष हैं, 7 फुल मॉक जरूर लगा लीजिए बच्चों, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा संभावना आपके सिलेक्शन की होगी। ठीक है, तो सभी बच्चों लोगों को क्या करना है, अच्छे से सिलेक्शन लेना है बेटा और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए काम करना है कुछ अच्छा। और यही स्पिरिट के साथ बच्चों मैं सेशन को अंत करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। Subscribe now and